चलिए शुरू करती हूँ प्रोसेस। ये देखो फ्रेंड, मैंने एक 300 से 250 ग्राम करीब काजू को मैंने पानी में पहले मैंने अच्छे से उसे वॉश कर दिया और 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया था। अब इसे छानकर मैं पानी से बाहर निकाल लेती हूँ ताकि इसकी सारी पानी इसके अंदर है वो छलनी से बाहर आ जाए। तो चलिए काजू को पानी निकल गई है फ्रेंड। अब इसे मैं ग्राइंड करने के लिए मिक्सी में डाल दिया है और इसके साथ साथ ही चीनी पाउडर। दुकान में तो फ्रेंड आधे से भी ज़्यादा चीनी ऐड करते हैं, लेकिन मैं 150 ग्राम से ज़्यादा नहीं है फ्रेंड। मेरे पास मेजरमेंट करने वाली तो है नहीं मशीन, तो मैं एक अंदाज से ही 150 ग्राम चीनी पाउडर के साथ ही मैं काजू को पीस लूँगी। अच्छे इसको बीच बीच में चलाते हुए इसे अच्छे से ग्राइंड करना है फ्रेंड। अच्छी सी पेस्ट बनानी है, आप समझ गए ना, बिल्कुल अच्छी सी, ठीक है। अब इस स्टेज पे 2 चम्मच दूध ऐड करती हूँ फ्रेंड, 2 से 3 चम्मच ही डाल दिया ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। ज़्यादा ही मैंने डाला है क्योंकि आधी आधी चम्मच जा रही थी, इसलिए मैंने 3-4 बार आधी आधी चम्मच को ही दूध को ऐड किया है। अब इसे फिर से मिक्सी में अच्छे से पेस्ट बनाती हूँ। चलिए हमारी देखो फ्रेंड, इस तरह की पेस्ट हमें बनानी है ना। और दूध डालने का रीज़न सिर्फ ये है फ्रेंड कि ये अच्छे से इसको ग्राइंड होने में मदद मिलेगी, क्योंकि अच्छे से मिक्सी चल पाएगी, नहीं तो चीनी और काजू से ग्राइंड होने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि पकड़ लेती है, आराम से चल नहीं पाती है। इसीलिए मैंने दूध 3 से 4 चम्मच यूज किया है फ्रेंड, उससे ज़्यादा नहीं मैंने आपके सामने ही डाला है। अब चलिए कढ़ाई को चढ़ा लेती हूँ। कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया फ्रेंड। आपके पास अगर नॉन स्टिक वाली हो या और कोई अच्छी सी कढ़ाई हो तो आप उसमें उसे ही बनाना। मेरे पास तो यहाँ पे बेंगलोर में बहुत असुविधा हो रही है, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा हमारे पास फैसिलिटी है नहीं फ्रेंड। तो चलिए इस कढ़ाई को थोड़ी सी घी डालकर ग्रीस करती हूँ। आप देखो फ्रेंड कितनी घी मैं डालूँगी। देखो फ्रेंड आधी चम्मच से भी कम मैंने घी डाला है, ठीक है। कढ़ाई मेरी बहुत गर्म हो जाती है इसलिए मैंने गैस को अभी बंद कर दिया है, ठीक है। अब चलिए इसके अंदर पेस्ट को डालती हूँ। पेस्ट को इसके अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, सारे पेस्ट को अच्छे से। चलिए मैंने सारे पेस्ट को कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर दिया है फ्रेंड। इसमें किसी भी तरह की पानी का यूज नहीं करना है फ्रेंड, और लो फ्लेम, बिल्कुल लास्ट वाली फ्लेम पे ही हमें अब इसे धीरे धीरे भूनना है, ठीक है। इसमें भूनने में कम से कम 15 से 20 मिनट लगेगी फ्रेंड। हड़बड़ाकर इसे बिल्कुल नहीं भूनना है और ना ही गैस को बढ़ाना है, ठीक है। तो चलिए अब इसे भूनना स्टार्ट करती हूँ। इस तरह से लगातार चलाते रहना है फ्रेंड, रुकना नहीं है, तो नहीं तो हमारे नीचे कढ़ाई के तले में पकड़ लेगी, इसलिए लगा। मेरी तो कढ़ाई भी बहुत अच्छी नहीं है फ्रेंड, आप देख रहे हो, मेरे पास अब तो नॉन स्टिक वाली है नहीं, मोटे तले की कढ़ाई में ही इसे बनानी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक इसे पकाना है। मैं नीचे से भी चलाते हुए भी बीच बीच में इस तरह से कर रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई पतली है फ्रेंड। तो चलिए इस तरह से
थोड़ी मेहनत तो लगेगी, 10 से 15 मिनट तो बिल्कुल लगेगी फ्रेंड्स। चलिए इस तरह से, लेकिन इसमें पानी का यूज नहीं करना है फ्रेंड, इस बात का ध्यान रखना। मुझे इस तरह से लगातार चलाना पड़ रहा है, नहीं तो हमारी नीचे काजू कतली की पेस्ट पकड़ लेगी। थोड़ी तो वैसे भी हमारी लोहा की कढ़ाई है फ्रेंड, तो कलर थोड़ी हमको लगती है कि थोड़ी चेंज हो जाएगी, इसलिए मैं लगातार इस तरह से ही चला रही हूँ। ठीक है, चलिए चेक करती हूँ एक बार, लेकिन नहीं अभी ये नहीं पकी है फ्रेंड। एकदम बिल्कुल हाथ में एक गोली की तरह बनाने पे बन जाए तो समझना है कि हमारी काजू कतली की पेस्ट पक चुकी है। अब हमारी कढ़ाई को छोड़ने लगी है फ्रेंड, तो हमारी मिश्रण रेडी होने वाली है, लेकिन अभी 2 से 5 मिनट और लगेगी। चलिए हमारी मिश्रण रेडी है फ्रेंड। अब मैं देख लो, आप देख रहे हो कढ़ाई को किस तरह से छोड़ रही है। ठीक है, और मैं अभी हाथों से भी दिखा देती हूँ आपको। देखो फ्रेंड, मैंने हाथों में पानी लगाकर ये किया है, देखो ये अच्छे से गोली बन रही है। तो चलिए अभी से मैं एक खाली के बटर पेपर का ही सब्स्टिट्यूट है फ्रेंड, बटर पेपर तो गीला नहीं, तो चलिए मैं इसी के ऊपर अभी सारे मिश्रण को निकालती हूँ। सारे मिश्रण को निकाल लिया है फ्रेंड, चलती हूँ। कढ़ाई में हमारी बहुत सारी मिश्रण अभी लगी हुई है, तो थोड़ी सी घी डालूंगी ताकि वो वापस सारे मिश्रण निकल जाए आसानी से। ठीक है, कोशिश करती हूँ, देखो फ्रेंड कितनी लगी हुई है। ठीक है, चलिए सारे मिश्रण को निकाल लिया है और हाथों में थोड़ी सी घी लगा लिया है फ्रेंड, ताकि अभी तो मैं हाथों से गर्म है तो कर नहीं पाऊँगी, लेकिन जहाँ जहाँ ये मिश्रण लगे हुए हैं तो कोशिश कर रही हूँ उसको निकाल दूँ फ्रेंड। ठीक है, इस तरह से, लेकिन लोहे के कढ़ाई में हमारी मिश्रण उतनी वाइट नहीं हुई फ्रेंड जितनी वाइट मार्केट में होती है। ऐसे भी मार्केट में बहुत सारे क्या क्या केमिकल यूज करते हैं, हम लोग तो कर नहीं पाते हैं, क्योंकि घर में खानी है, हमें बेची थोड़ी है फ्रेंड, तो जितनी प्योरिटी होनी चाहिए उतनी रखने की कोशिश करती हूँ। चलिए अभी से पलटते पलटते हुए इसे हमको ठंडा करना है। इसके बाद एक आपके पास ट्रे हो तो ट्रे में, मेरे पास ट्रे तो नहीं है, मैं इसके थाली में ही ग्रीस करके कतली को बनाने का कोशिश क्या करना है फ्रेंड, थाली में ही बनानी है क्योंकि ट्रे तो है नहीं। ठीक है, इस तरह से। वैसे भी काजू कतली वाइट होगी, लेकिन पकने के बाद तो इसकी कलर चेंज हो ही जाती है फ्रेंड। अब मैं क्या करूँ, मैं तो मुझे बालू साड़ी भी अभी बनानी है, बेसन की लड्डू भी बनानी है। अगर मैं वीडियो बना सकी तो ज़रूर अपलोड करूँगी।
इस तरह से करते हुए इसे ठंडा करना है। अब इसे ठंडी होने देती हूँ फ्रेंड, अच्छी सी एकदम ठंडी हो जाएगी तो इसे मैं चकले पे बेलकर कतली को तैयार करूँगी, ठीक है। तो अभी ठंडे होने देती हूँ। इस तरह से करने का मतलब सिर्फ ये है फ्रेंड कि ताकि अच्छे से हमारी मिश्रण एक जैसी बन जाए, इसमें कहीं के लंग्स वगैरह नहीं रहे, ठीक है। और कुछ करने का मतलब नहीं है, इसे तो हम डायरेक्ट अगर थाली पे या ट्रे पे अगर मिश्रण को डाल देते हैं तो भी हमारी मिश्रण ठंडी हो जाएगी और उसको मैं कतली बना सकती हूँ। लेकिन इस तरह से करने से मिश्रण की एक जैसी बन जाती है और कोई लम्स वगैरह नहीं रहती। इसे थोड़ी सी ठंडी होने देती हूँ। हमारी डो अब ठंडी हो गई है फिर, तो चलिए अब इसे मैं चकले के ऊपर रखकर इसे बेलन से कतली बनाऊंगी, ठीक है। देखो मैंने घी से ग्रीस कर लिया हाथों को, अब इसे थोड़ी 2 मिनट और ठंडे होने देती हूँ, नहीं तो। और तब तक मैं चकले पर थोड़ी सी घी लगाकर ग्रीस करती हूँ फ्रेंड। चकले के ऊपर थोड़ी सी घी मैंने डालकर मैं इसको ग्रीस कर रही हूँ। चलिए चलिए अब इस मिश्रण को चकले के ऊपर रखती हूँ फ्रेंड और इसे बेलन के साथ तो अच्छे से जितनी थीक आप रखना चाहते हो, वैसे काजू कतली ज़्यादा थीक नहीं होती है, बर्फी थीक होती है लेकिन काजू कतली ज़्यादा थीक नहीं होती है, इसलिए ज़्यादा थीक रखना नहीं है फ्रेंड। जितनी बड़ी चकला है फ्रेंड उतना फैला लेती हूँ, ठीक है। अब इसे कट लगाती हूँ। चलिए अब इसे कट कर लेती हूँ फ्रेंड। तो एक्स्ट्रा मिश्रण को निकाल लेती हूँ और दोबारा जब मैं इसे उसे भी बेलकर अलग से मैं उसे बना लूँगी, ठीक है। तो चलिए अब इसे अच्छी सी काजू कतली की डिजाइन शेप देती हूँ। ये ठंडी हो जाएगी फ्रेंड तो जैसे काजू कतली होती है वैसे ही ये बन जाएगी। अभी थोड़ी ठंडी होने में टाइम लगेगी इसलिए चाकू पकड़ रही है फ्रेंड। देखो तो मुझे अब इसके ऊपर ग्रीस कर लेनी होगी, चाकू के ऊपर भी मैं थोड़ी सी घी से ग्रीस कर लेती हूँ। चलिए चाकू के ऊपर भी घी से ग्रीस कर देती हूँ। घी से सूखने में और टाइम लगेगी फ्रेंड, इसीलिए कट करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो क्या करूँ, मैं रुक जाती हूँ, थोड़ी और ठंडी होने देती हूँ तब कट लगाती हूँ। देखती हूँ फिर कट हो रही, थोड़ी और अभी गीली है फ्रेंड इसलिए कट होने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं इसे कोशिश करती हूँ पंखे के नीचे रख देती हूँ, ठीक है। आप बोलोगे आपकी वीडियो तो बहुत सफाई से बन नहीं पाती, क्या करूं फ्रेंड, क्योंकि मेरे पास
मैं अकेली हूँ, बहुत सारा मेरे ऊपर काम रहता है। थोड़ी और ठंडी होगी सर, लेकिन मैं कट कर ले रही हूँ, फिर धीरे धीरे इसको ठंडा होने में टाइम लगेगा। काजू कतली इसी तरह से आप चाहो तो इसके ऊपर सिल्वर क्वाइल लग, वो चांदी का वर्क होता है, उसको आप लगा सकते हो, लेकिन मैं नहीं लगाऊंगी, मैं नहीं लगाती हूँ, और ना ही मैं उस वर्क वाली मिठाई को खाती हूँ, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। फ्रेंड्स, आप चाहो तो लगा सकते हो, ये सूखेगी तो इस तरह से इसको मैं फिर से एक रोल बनाकर मैं भूल गई थी और भजन बज रहा है यूट्यूब को, तो फिर मुझे कॉपीराइट दे देगी। मैं इसी से डेकोरेट कर देती हूँ फ्रेंड। अब आप मुझे बताना कि हमारी ये काजू कतली आपको कैसी लगी, ठीक है? तो आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक भी करो फ्रेंड। आज मैं अपने टाइम पे अपलोड करूँगी। ओके, बाय बाय।